तो दोस्तों अगर आपके पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड है और उस डेबिट कार्ड के एटीएम पिन नंबर को अगर चेंज करना चाहते हैं, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू चेंज करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कैसे आप डेबिट कार्ड के एटीएम पिन को चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको एटीएम पिन मशीन में जाने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल के थ्रू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड का एटीएम पिन नंबर अगर चेंज करना चाहते हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, वी योम के नाम से देखने मिलेगा, और लॉगिन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। लॉगिन करने के दौरान अगर आपका लॉगिन पिन एक्सपायर बताता है या लॉगिन पिन को रिसेट करना चाहते हैं, आधार कार्ड के थ्रू रिसेट करना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन पिन आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। फिंगरप्रिंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल फिंगरप्रिंट से यूज़ करूँगा और फिंगरप्रिंट को यूज़ करने के दौरान मैं यहाँ पे लॉगिन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट को भी यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन करने के दौरान इस प्रकार का आपको यहाँ पे होम स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, जो आपके पास डेबिट कार्ड है उस डेबिट कार्ड का एटीएम पिन नंबर चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नीचे में जाना है। नीचे में जाने के बाद आपको क्विक टास्क वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे भी आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सिर्फ 6 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो डेबिट कार्ड के एटीएम पिन नंबर को चेंज करने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे कस्टमाइज वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, इस कस्टमाइज पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहां पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने मिलेगा। नीचे में आप जाते हैं तो नीचे में जाने के बाद आप यहां पे देखिए, आपको डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन यहां पे देखने मिलेगा। अगर इस पर आप यहां पे क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं यहां पे सिलेक्ट नहीं होता है। सिलेक्ट करने के लिए सिंपली क्या करना है, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद दोस्तों आपको डन पे क्लिक कर देना है। ये डन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। और बैक होने के बाद दोस्तों जैसे आप नीचे में जाइएगा तो नीचे में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब फिलहाल क्या करना है, डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है और डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट नंबर देखने मिलेगा और साथ में डेबिट कार्ड का लिमिटेशन कितना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेबिट कार्ड के थ्रू कितना आप यहाँ पे लिमिट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसका एक्सपायरी डेट, इसे टोटल जानकारी आपको देखने मिलेगा। आप डेबिट कार्ड को यहाँ से मैच कर सकते हैं। देन आपको नीचे में स्क्रॉल करना है। नीचे में स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देखें एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जनरेट कार्ड पिन, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है और डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद उस डेबिट कार्ड को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो चलिए इसको भी मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डेबिट कार्ड के एक्सपायरी डेट को भी यहाँ पे फिलअप कर लिया। फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे में आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, इस प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इंटर 6 डिजिट ओटीपी, मतलब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। अगर ओटीपी नहीं आता है तो आपको रिसेंट वाला ऑप्शन मिलेगा, रिसेंट पे क्लिक करके फिर से आप ओटीपी मंगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी को फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ओटीपी को फिलअप कर लिया। ओटीपी को फिलअप करने के बाद सिंपली क्या करना है, नीचे में आपको सबमिट वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहां पे सबमिट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस प्रकार का आपको यहां पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ऊपर में आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन देखने मिलेगा, डेबिट कार्ड जो आपका ऐड किया वो देखने मिलेगा, एक्सपायरी डेट आपने ऐड कर लिया है। नीचे में आपको सेट डेबिट कार्ड पिन नंबर ऑप्शन मिलेगा और कन्फर्म डेबिट कार्ड पिन नंबर ऑप्शन मिलेगा। तो एक नया पिन नंबर आपको यहाँ पर ऊपर में डालना है और उसी नए पिन नंबर को आपको नीचे में भी फिलअप कर लेना है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे नए पिन नंबर को यहाँ पे डेबिट कार्ड के पिन नंबर को फिलअप कर लिया है। फिलअप करने के बाद नीचे में आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा वी आर द फास्ट, मतलब मेरा जो पिन नंबर है वो चेंज हो चुका है, डेबिट कार्ड का पिन नंबर चेंज हो चुका है। उसके बाद ATM मशीन में जाने के बाद इस पिन नंबर से आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वहाँ जाके आप पैसा निकाल सकते हैं।